तो गाइस हम अब दर्शन करके बाहर आ गए हैं, तो हम प्रसाद खा रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी हम उठे हैं, सुबह हो गया, मस्त धूप आ रहा है मुंह पे। तो ये देखो ये क्या कर रही है, रुको दिखाते हैं। क्या हो रहा है? निकालो। हो गया बस। वो हमारी आंटी है, तो हम ये वाला निकाल रहे थे, ये सब। क्या बोलना चाहोगे, बोलो। नहीं, हो गया बस। गुड मॉर्निंग। इसको पका के। तो गाइस आज ये प्लानिंग है कि आज हम लिंगराज मंदिर जा रहे हैं, तो चलो फटाफट से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। और कल रात को ना क्या हुआ था, पानी नहीं आया था, पानी और कट गया, तो इसीलिए सब वही की वैसा की वैसा है। तो सब साफ करेंगे, उसके बाद नहाएंगे और मंदिर के लिए निकलेंगे। तो चलो मैं आज दिखाती हूँ आपको लिंगराज टेम्पल। तो चलो देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। तो चलो चलते हैं। गाइस हम अब नहाते हुए पूरा रेडी हो गए हैं, बाहर भी उधर रेडी हो गए हैं, तो चलो चलते हैं लिंगराज टेम्पल। आपको भी दिखाऊंगा टेम्पल कहाँ पर है और कैसे आप वहाँ सकते पहुँच सकते हो। तो आज हम ऑटो बुकिंग करके जा रहे हैं, तो दीदी बुकिंग कर रही है, तो चलो नीचे चलते हैं और चलो मजा करते हैं। चलो तो गाइस हम अब निकल चुके हैं लिंगराज टेम्पल के लिए, तो चलो आपको मंदिर दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तो चलो चलते हैं। Prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside. So guys, हम पहुंच गए हैं टेंपल के बाहर, तो चलते हैं और देखते हैं। लगता है मुझे मोबाइल यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम भोग खर चुके हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर के बाहर। जूता भी स्टैंड में रख दिए हम सब, तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। सो गाइस मंदिर के अंदर हम मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो यहीं पर रख रहे हैं मोबाइल स्टैंड में। तो चलो भगवान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आके आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि कैसे लगे हमारे भगवान जी। तो गाइस तो चलो चलते हैं, भोग वगैरह सब खरीदा हो गया है, तो खरीद चुके हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस हम अब दर्शन करके बाहर आ गए हैं, तो हम प्रसाद खा रहे हैं। तो ये लिंग कैसा हुआ, कैसे बना, क्या ये ज्योतिर्लिंग है, तो ये सब बाबा आपको घर जाके बताएंगे। तो चलो मस्त घर जाते हैं और ये देखो मंदिर का व्यू देखो, बहुत अच्छा मंदिर है, साफ सुथरा है बिल्कुल, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस जी ये रहा है, ये जो है ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर लोग जो अंदर जाते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। हम भी यहीं पर गए थे, तो चलो आपको पास से दिखाती हूँ नज़। तो गाइस ये देखो मंदिर का एंट्री पॉइंट, तो गाइज एंट्री पॉइंट तो आपको दिखा लिया। तो चलो थोड़ा मंदिर के जहाँ से मंदिर का पूरा व्यू आता है वहाँ से आपको दिखाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चलो चलते हैं, ये देखो लिंगराज टेम्पल। तो गाइज देखो मस्त जगह है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो चलो चलते हैं घर, ये मंदिर रहा। तो गाइस ये रहा मंदिर का पूरा व्यू, तो चलो पापा जी और दीदी आगे चले गए, तो फटाफट से चलते हैं उनके साथ। Can you pick me up? Don't let me fall.
तो गाइस मेरे सामने क्या है आप बिलीव भी नहीं कर सकते, तो आपको दिखा दूं, रुको। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है बिंदु सागर, जो कि शिव जी ने अपनी त्रिशूल से यहाँ पर खोद के बनाए थे, क्योंकि पार्वती माँ जो है वो एक राक्षस को मारने के बाद बहुत प्यासा हो गए थे, तो यहाँ पर त्रिशूल मार के शिव जी ने इसको बनाया था, और सब देवादेवी जो है यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी बरसाया था, तो इसका नाम इसीलिए रखा गया है बिंदु सागर। तो बहुत अमेजिंग सागर है, तो आप देख लेना आके, बहुत अच्छा। यहाँ पर साफ सफाई भी बहुत है, और वो रहा मंदिर के बीच में, सॉरी लेक के बीच में मंदिर। तो हमारे पापा वहाँ हैं, तो चलो चलते हैं उनके पास। तो गाइस हम लोग घूम फिर के आ गए, नाश्ता भी हमारा हो गया, तो चलो रूम में मिलते हैं। ये देखो, गए हैं और दीदी रोसे बनाने में लग गया है। देखो जल्दी से फटाफट से रोसे करते हैं, उस पर खाएंगे, बहुत जोर की भूख लगी। तो चलो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ उसके, और मंदिर के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे। तो मस्त अब खाना बनाएंगे, भूख लगी है, खाना खाएंगे। चलो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड लगी है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, चलो। तो वो गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, तो चलो आज बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है तो सोते हैं थोड़ा। ये भी सो रहे हैं देखो, तो चलो आज सोते हैं, उठने के बाद आपको मिलूँगा, ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो चलो मस्त सोते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि अब हम सो के सब उठ गए हैं, आज इतने देर तक सो कि किसी पता नहीं चला टाइम का। तो चलो अब तो शाम हो गया है, शाम हो गया है, तो चलो प्रार्थना करते हैं। हाँ, और जो एक बात मैंने बोला था आपको कि वो जो मंदिर था लिंगराज टेम्पल के अंदर जो शिवलिंग था, तो मतलब वो क्या है, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। हाँ, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, उसने उसको सारे भगवान मिलके वो लिंग, हाँ सारे भगवान मिलके स्थापन किए, तो वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। आप भी आना कभी भुवनेश्वर में, बहुत शांति प्लेस है, बहुत अच्छा लगता है उसके अंदर जाने, तो आप भी आओ विजिट करो। हम आज गए तो बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप भी आओ विजिट करोगे, तो चलो उसके बारे में छोड़ो, आप तो आ जाओगे, तो हम चलते हैं पूजा करने के लिए, उसके बाद मिलेंगे, नाश्ता करेंगे कुछ, तो चलो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं हमारा गड्डी लाने के लिए, क्योंकि कल जो हमने रिपेयर करने के लिए शोरूम भेजा था, तो चलो आज, हाँ सॉरी सर्विसिंग के लिए शोरूम भेज दिया गया था, तो आज उसको लाएंगे। चलो चलते हैं, आके आपसे बात करेंगे, आपको गड्डी भी दिखाऊंगा, चलो। तो गाइस हम अब घर पहुंच गए हैं, हमारा गाड़ी जो तैयार हो गया है, रुको आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गाड़ी, अब बन के तैयार, पूरा सर्विसिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ब्रेक से भी काम हो गया। तो क्या है कि ये हुआ था, जिस भाई को हमने गाड़ी दिया था हम सर्विसिंग करवाने के लिए, तो वो चले गए थे घर आके वापस हमें गाड़ी दिए, बहुत बार कल के बहुत लेट हो गया, तो चलो आज खाना बनाते हैं, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ऊपर चलते हैं। बाबा जी आज जाने वाले थे, तो हमने उनको रोक लिया कि अब कल सुबह चले जाना, तो चलो चलते हैं ऊपर, दिखते हैं और कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, तो चलो चलते हैं। और खाने में क्या है, खाना आज हम खुद बनाएंगे,
बना के सबको खिलाएंगे। चलो हाय गाइस, तो हम सब रूम में आ गए हैं। ये हमारा चावल और ये मील मेकर करी आज बना है और ये सुबह का दाल। सो गाइस, अब हमारा खाना भी तैयार हो रहा है, दीदी बना रही है। तो आज खाने में सोयाबीन चावल और सुबह का दाल। तो चलो मस्त से खाते हैं, खाने के बाद बनने पड़ती देखो खाना वीडियो बना रहे। तो गाइज हम तो खाना पीना करके सो जाएंगे और मैं एडिट करूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।